हेलो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट बॉडी। तो अभी एक एक करके फॉर्मूले अपने पास एक्यूमुलेट हो रहे, हमें करना क्या, एक फॉर्मूला बाय हार्ट करना है, याद रखना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर इट। बाकी हम उससे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन, वेयर आई एम कमिंग अबाउट अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का भी एक फॉर्मूला याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सम्स में यूज होगा, खास करके अर्थ की जब बात होती है, बिकॉज अर्थ इज अ सॉलिड स्फीयर। ओके, तो उसमें ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा, तो याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक्सिस कहां से पास हो रही है बच्चों, एक्सिस पास हो रही है सेंटर से। तो फॉर्मूला याद रखो, 2/5 mr2। m क्या है, स्फीयर का मास है, और r क्या है, स्फीयर का रेडियस है। चलेगा, तो m इज द मास एंड r इज द रेडियस। फॉर्मूला कैसे आया, वी डोंट हैव टू डिराइव इट, तो जस्ट बाय हार्ट द फॉर्मूला, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड्स। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, फॉर्मूला है 2/5 mr2। ठीक है, अभी एक्सिस अलोंग दी टेंजेंट, ये मैंने लिया है, एक्सिस अलोंग दी टेंजेंट, तो ये जो है इसको हम सी लेते, इसको हम ओ लेते। अभी तो आपको समझ में आ गया, दो एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस आर है। विच फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि मुझे इसका पता है और इसका फाइंड करना है, तो यहां से यहां पर जाना है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फॉर्मूला क्या है, आई ओ is equal to IC plus MH square। IC का value 2/5 mr2, okay, plus mr2। तो इसका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा बच्चों 7/5 mr2। इजी, तो ये हो गया आपका आंसर। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा, इन केस इफ यू थिंक रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा, तो आई के बदले आप क्या डाल सकते हो, एम के स्क्वायर, एंड यू विल कंपेयर विद 7/5 mr2। ये m और m कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू रूट ऑफ 7/5 r। ठीक है, अभी हमें फाइंड क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का, ये सॉलिड स्फीयर है, ये हॉलो स्फीयर है, जैसे कि फुटबॉल होता है, पर थिन क्रस्ट है उसका, थिन बॉल है। फॉर्मूला लर्न करो, ये फॉर्मूला एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, 2/3 mr2। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, जब हॉलो स्फीयर की बात आती है तो 2/3 mr2, सॉलिड स्फीयर में 2/5 mr2। ओके, अभी अपने को एक्सिस ये कहां से जा रही है, सेंटर से, ये सेंटर वाला फॉर्मूला। टेंजेंट का फॉर्म करना है सेम एज इट इज, तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों, ये पॉइंट का अपन नाम क्या देंगे, ओ, ये पॉइंट का अपन नाम दिया सी, ये डिस्टेंस जो दो एक्सिस के बीच में वो क्या हो गया, रेडियस, बराबर की नहीं, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, आई ओ इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, इसका वैल्यू हमने ढूंढ के निकाला है 2/3 mr2 प्लस mr2, तो आंसर आएगा 3 × 1 = 3, तो 5/3 mr2। इजी, तो यहां से यहां पे चले गए, कौन सा थ्योरम यूज किया हमने, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और लास्ट का है यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्फेरिकल शेल, तो ये एज इट इज लर्न करना है आपको, शेल का फॉर्मूला, इसमें शेल ले ये, तो इनर रेडियस हम ले लेते हैं r1, आउटर रेडियस हम ले लेते हैं r2, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है 2/5 m। ओके, और ब्रैकेट में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इट इज r2 raised to 5 minus r1 raised to 5 upon r2 raised to 3 minus r1 raised to 3। तो ये फॉर्मूला एज इट इज आपको लर्न करना है, दिस फॉर्मूला इज फॉर शेल। तो ये सारे फॉर्मूले, उसमें से देखो ये फॉर्मूला लर्न करना है,
इससे ये डिराइव हो जाएगा, तो ये लर्न करने का जरूरत नहीं, पर ये मेन फॉर्मूला है। सेंटर वाले हम सारे फॉर्मूले मेन लर्न करते हैं, ये फॉर्मूला सेंटर वाला लर्न करना है और ये फॉर्मूला भी सेंटर वाला लर्न करना है। ये शेल के लिए, ये हॉलो स्पीयर के लिए और ये वाला सॉलिड स्पीयर के लिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। सो ये सारे फॉर्मूले कलेक्ट करो क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।